friend, this is Prabhu here. Welcome you to my channel PM Networking. Today we will discuss HTTP protocols, hypertext transfer protocol, FTP file transfer protocol, Telnet, SSH and DNS. और जो कल मैंने आपको पढ़ाया था एक प्रोटोकॉल ICMP प्रोटोकॉल जो लेयर 3 पे काम करता है, होप गाइस वो आपको क्लियर हो गया होगा और पैकेट फ्लो जो मैंने बताया था वो क्लियर हो गया होगा आपका। आज मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, सारे प्रोटोकॉल के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप और ज्यादा बुक से पढ़ लेना और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना राउटिंग। ओके, और जब फिर राउटिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं स्विच। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। कल मैंने प्रोटोकॉल बताया था आपको ICMP जो कि लेयर 3 पे काम कर रहा था, राइट। प्रोटोकॉल नंबर क्या होता था, 1। ओके, ये आपको क्लियर होगा। अभी देखो पहला प्रोटोकॉल मैं डिस्कस करता हूँ HTTP, राइट। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब अब देखो जो मैं प्रोटोकॉल याद रखा हूं, सारे प्रोटोकॉल को मैं कैसे पढ़ता हूं, तो मैं कैसे पढ़ता हूं कि सबसे पहली चीज तो एट विच लेयर इट्स वर्क, कौन से लेयर पे ये काम करता है, सबसे पहले चीज मैं ये पढ़ता हूँ लेयर कौन से लेयर पे काम करता है। जैसे HTTP है तो लेयर 7 पे काम करता है। सेकेंड थिंग मैं पढ़ता हूँ कि वो लेयर 4 पे TCP यूज करता है या UDP यूज करता है, TCP या UDP लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल को यूज करता है। थर्ड थिंग पढ़ता हूँ कि पोर्ट नंबर क्या है ये, और फोर्थ थिंग पढ़ता हूं कि ये यूज हम क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज इट। ओके, और फिफ्थ थिंग पढ़ता हूं कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क्स। ओके, तो उसकी कमांड क्या है, राइट। सेवेंथ थिंग कमांड क्या है उसकी। ओके, तो ये ऐसे मैं याद करता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ। तो वैसे ही आप भी, आपको भी मैं बता रहा हूँ और वैसे ही आप भी पढ़ना, आपको याद भी रहेगा अच्छे से और आपको अच्छे से सब पता भी रहेगा कि क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबसे पहले कौन से लेयर पे काम करता है ये कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। लेयर 7 मतलब एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। कौन से, कोई आपसे पूछे HTTP कौन से प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे काम करता है, क्या बोलोगे, लेयर 7 पे। लेयर 7 क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर। सेकंड थिंग, पोर्ट नंबर क्या है HTTP का, तो पोर्ट नंबर है आपका 80 पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या, 80। थर्ड थिंग, TCP यूज करता है या UDP यूज करता है, तो ये TCP यूज करता है लेयर 4 पे, राइट। लेयर 4 पे गाइस दो ही प्रोटोकॉल यूज होता है, या तो TCP या UDP। ये आपको मैं OSI मॉडल के टाइम में अच्छे से समझाया था, तो ये TCP यूज करता है लेयर 4 पे। फोर्थ थिंग, इसका काम क्या है, तो क्यों ये HTTP का यूज होता है, HTTP का यूज होता है वेब पेज को एक्सचेंज करने के लिए। इट इज यूज टू एक्सचेंज वेब पेज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, राइट। जैसे आपका ये PC है और आपका ये सर्वर है। ओके, आप यहाँ पे अपने क्रोम में गूगल क्रोम खोलते हो, उसमें लिखते हो www.facebook.com, तो ये लेयर 7 पे HTTP प्रोटोकॉल यूज होगा और वहां से क्या करेगा, एक वेब रिक्वेस्ट ओरिजिनेट करेगा और यहाँ से आपका सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और ये सर्वर आपको एक वेब पेज प्रोवाइड करवाएगा। तो वो वेब पेज ही तो एक्सचेंज हो रहा है ना यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए इसका हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, वेब पेज एक्सेस करने के लिए बोल सकते हो आप हम HTTP का यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है आपका दूसरा प्रोटोकॉल, होप दैट ये क्लियर हो गया होगा आपको और इससे ज्यादा अभी आपको इसमें पढ़ना नहीं है,
ये इतना आपको काफी है। अभी अभी तो मैं आपको प्रोटोकॉल इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आपको आगे कंफ्यूज ना रहे कि भाई टेलनेट क्या होता है, डीएचसीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है। तो बस ये समझ जाओ कि ये प्रोटोकॉल का काम क्या है और कौन से लेयर पे ये काम करता है और लेयर फोर पे ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, टीसीपी या यूडीपी। बस जो दूसरा प्रोटोकॉल आपका क्या है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वो जो आपका HTTP था वो सिक्योर नहीं था और ये सिक्योर प्रोटोकॉल है। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने क्रोम में जाते हो, आप अपने क्रोम में जाना, लिखना उसमें www.google.com राइट। तो आप देखोगे जो इधर आपके इस ये आपका जो डोमेन नेम है इससे आगे आपको क्या मिल जाएगा, HTTPS राइट, ऐसा आपको लग के आ जाता है। तो ये सिक्योर है, मतलब आप जब भी कभी पेमेंट वेमेंट करना और वहां पे आपको HTTP लग के आए और यहाँ पे आपका डोमेन है तो आप उस साइट पे अपना डिटेल्स मत डालना गाइस, बिकॉज वो आपका सिक्योर नहीं है। ओके, तो ये आपका सिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है। ये भी कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर सेवन का ये प्रोटोकॉल है। टीसीपी या यूडीपी, टीसीपी पोर्ट नंबर 443 यूज सेम जो HTTP का था वही, ये आपका सेकेंड प्रोटोकॉल था। ओके, अब देखो आप थर्ड प्रोटोकॉल FTP आता है आपका, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल राइट। ये फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। ये सारे, ये भी कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर सेवन पे। ये सारे प्रोटोकॉल कौन सा लेयर का है, एप्लीकेशन लेयर का, लेयर सेवन का। ओके, तो ये FTP है, जैसे आपका HTTP था वैसे FTP है। इसका पोर्ट नंबर है वो सब मैं आपको उस टाइम बताया भी था, पोर्ट नंबर सब वो पे आपको याद होगा। जो चीज मैं डिस्कस नहीं किया था अभी वो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो जो मैं डिस्कस नहीं किया था आपको टेलनेट का डिस्कस नहीं किया था, टेलनेट मैं डिस्कस नहीं किया था, तो टेलनेट को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखो दो, टेलनेट का काम क्या है ये आपको मैं बताया था कि ये रिमोट एक्सेस के लिए हम इस फीचर का यूज करते हैं, सर्विस का हम क्यों यूज करते हैं, रिमोट एक्सेस लेने के लिए। सपोज करो कि मेरा राउटर है कहीं पे लगा हुआ राइट, और मैं फिजिकली वहां पे नहीं हूँ। सपोज ये मेरा राउटर मुंबई में है, ओके, और मैं बैठा हूँ दिल्ली में, ओके, यहाँ पे मेरा PC है, ओके, ये PC मेरा स्विच से कनेक्ट है राइट, और ये ISP के थ्रू मेरी कनेक्टिविटी है मेरे राउटर से। ओके, तो ये मेरा नेटवर्क है, तो मेरे को अगर इसका एक्सेस लेना है, इस राउटर का मेरे को कॉन्फ़िगर करना है, कोई प्रोटोकॉल इंस्टॉल करना है, कुछ भी इसमें चेंजेस करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं यहाँ पे जाऊँ और अपना कंप्यूटर जो मैं कल आपको बताया था कंसोल के थ्रू मैं एक्सेस ले लूँ, इस PC से कंसोल के थ्रू एक्सेस ले लूंगा और आप जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ वो यहाँ पे कर दूंगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इसको रिमोटली एक्सेस ले लूँ यहाँ से। बिकॉज सोचो ना, मेरा राउटर जो कंपनी है उसका राउटर कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, तो वहां पे जाना पॉसिबल नहीं है राइट। तो वो लोग क्या किया है, सब पे टेलनेट इनेबल करके रख दिए, और एक लोकेशन पे उनका ऑफिस है, वहां पे सारे उनके एम्प्लॉय बैठा हुआ है और वहां से वो सब राउटर को एक्सेस करके काम कर रहा है। तो ऐसे ही काम होता है। तो ये क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए रिमोट एक्सेस लूंगा यहाँ से। तो मैं कौन से फीचर यूज करूंगा, टेलनेट का। ओके, टेलनेट से मैं इस राउटर को इस PC से एक्सेस लूंगा। जैसे आपका कंप्यूटर है, मैं उस पर टेलनेट इनेबल करके अपने कंप्यूटर से यहाँ से रिमोटली एक्सेस लेके आपका सारा का सारा काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ उस कंप्यूटर का। ओके, तो ये भी जो प्रोटोकॉल है टेलनेट, ये कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर सेवन प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर सबसे पहले TCP या UDP लेयर फोर पे, तो भाई TCP। पोर्ट नंबर 23, पोर्ट नंबर 23 ये आपको याद करना है। यूज क्यों करते हैं,
रिमोट एक्सेस के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए टेलनेट इज यूज टू टेक रिमोट एक्सेस ऑफ डिवाइस। ओके, ऐसे आप बोलोगे, कोई पूछेगा आपसे टेलनेट का काम क्या है, तो रिमोट एक्सेस के लिए काम करते हैं। ओके, कमांड क्या है? देखो, कमांड से पहले आपको मैं बताऊं कि आपका जो राउटर है ये राइट बाय डिफॉल्ट ये आपका टेलनेट क्लाइंट के जैसा एक्ट करता है। राइट, मतलब कि ये मेरा राउटर है, इस पे मैं अभी टेलनेट कुछ भी इनेबल नहीं किया हूं, टेलनेट मेरा नया राउटर है, बस मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हूं और कुछ नहीं। तो ये जो मेरा राउटर है ये बाय डिफॉल्ट एज अ क्लाइंट एक्ट करेगा। देखो, एक्चुअली जब मैं यहाँ से क्लाइंट, ये हुआ और ये सर्वर है, जिसको मैं एक्सेस करता हूँ वो क्या होता है मेरा सर्वर, और जिससे मैं एक्सेस करता हूँ वो क्या होता है मेरा होस्ट। होस्ट बोलो या आप क्लाइंट बोलो, राइट, क्लाइंट, ये मेरा क्लाइंट है ये कंप्यूटर, और ये मेरा क्या है सर्वर। ओके, तो जो बाय डिफॉल्ट आपका राउटर होता है वो टेलनेट एज अ टेलनेट क्लाइंट एक्ट करता है। राइट, एक्टिंग एज अ टेलनेट क्लाइंट। ओके, तो आप यहां पे क्या करोगे, टेलनेट फीचर इनेबल करोगे तो ये टेलनेट सर्वर के जैसा काम करेगा, सर्वर के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप यहां से रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो मतलब क्या रिक्वेस्ट करोगे आप यहां से, कि आप यहां से रिक्वेस्ट करोगे क्या, आई वांट टू एक्सेस यू थ्रू थ्रू टेलनेट। क्या आप बोल रहे हो कि मैं आप थ्रू टेलनेट तुमको एक्सेस करना चाहता हूं, आप यहां से एक रिक्वेस्ट भेजोगे, ये क्या बोलेगा आपको कि भाई ठीक है पासवर्ड बता, पासवर्ड बता, पासवर्ड बता, आपको अगर पासवर्ड पता है वो पासवर्ड आप पुट करोगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा यहां से पूरा पूरा। तो ये जो इसका वर्किंग है ये तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके, अभी आपको बस ये समझना है कि टेलनेट है क्यों, क्या और क्यों यूज करते हैं इसका। राइट, तो ये टेलनेट हम रिमोट एक्सेस के लिए यूज करते हैं, जैसे मेरा कहीं पे पड़ा हुआ है डिवाइस और मैं कहीं से बैठा बैठा उसको एक्सेस करूंगा तो मैं टेलनेट सर्विस का यूज करूंगा। ओके, और पोर्ट नंबर क्या होता है इसका, 23 TCP यूज करता है रिमोट एक्सेस के लिए, और लेयर 7 का ये प्रोटोकॉल है। तो ये बाय डिफॉल्ट, कोई अगर आपसे पूछे कि बाय डिफॉल्ट आपका राउटर जो है वो टेलनेट सर्वर के जैसा काम करता है, तो नहीं, बाय डिफॉल्ट मेरा राउटर एज अ क्लाइंट काम करता है, एक्ट करता है। राइट, एज अ क्लाइंट एक्ट करता है। ओके, जब मैं इस पे सर्विस इनेबल कर दूंगा उसके बाद ये एज अ सर्वर, और जो आपका पीसी होता है वो, जो आपका पीसी है वो भी, जो आपका पीसी है जिसमें अगर आप विंडो यूज कर रहे हो, अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टेलनेट की सर्विस नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, इसमें पुट्टी, पुट्टी आपको इंस्टॉल करना होगा, और पुट्टी के थ्रू आप इस कंप्यूटर से इस राउटर का एक्सेस लोगे। ये आप जब प्रैक्टिकल देखोगे तो और अच्छे से देखोगे। तो देखो, कमांड होती है इसकी कुछ टेलनेट इनेबल करने की। सबसे पहले सपोज करो कि मेरे पास एक ये राउटर है, ओके, ये राउटर है और यहाँ पे मेरा पीसी है लगा हुआ। ओके, मैं इसको टेलनेट करना चाहता हूँ, इसकी आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और इसकी आईपी है 10.0.0.2। ओके, मैं इसको टेलनेट करना चाहता हूँ राउटर 2 को PC1 से, पीसी से। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कमांड में, टेलनेट कौन से मोड में, प्रिविलेज मोड में। राइट, प्रिविलेज मोड में, आपको प्रिविलेज मोड में बता ही चुका हूं क्या होता है। प्रिविलेज मोड में आप कमांड लिखोगे टेलनेट और आईपी एड्रेस, जो आपका डेस्टिनेशन आईपी, जो आपकी इस राउटर के इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा। ओके, तो इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है, 10.2, आप लिखोगे 10.0.0.2। ये कमांड आप चलाओगे इसका एक्सेस लेने के लिए। ओके, राउटर का एक्सेस लेने के लिए टेलनेट और आईपी एड्रेस, ये कमांड आप चलाओगे। राइट, टेलनेट और आईपी एड्रेस उसका, ये कंप्यूटर आपका क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, भाई मैं तुमको एक्सेस करना चाहता हूँ, ये क्या देगा इसको, रिप्लाई
अगर मैं अभी इस राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हूँ टेलनेट का, और यहाँ से अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ टेलनेट ये, तो ये मेरे को एरर दे देगा कि कनेक्शन होस्ट रिफ्यूज। ये मेरे को क्या एरर दे देगा, एपीसी कनेक्शन होस्ट रिफ्यूज, बिकॉज यहाँ पे कुछ कन्फिगर ही नहीं है वर्चुअल, राइट। टेलनेट यहाँ पे कन्फिगर ही नहीं है, तो कहाँ से ये मुझे एक्सेस देगा। तो यहाँ पे आपको कन्फिगर करने के लिए आपको पहले जाना है कन्फिगर मोड में। कौन से मोड में? कन्फिगर मोड में। कन्फिग मोड में गए, वहां पे आप कमांड चलाओगे लाइन VTY 0। एक्चुअली देखो लाइन VTY क्या है, वर्चुअल। आप इसको इस VTY का फुल फॉर्म और मैं बताऊं आपको, तो वर्चुअल टेली टाइप। ओके, वर्चुअल टेली टाइप। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक वर्चुअल लाइन क्रिएट कर रहे हो और उसी लाइन के थ्रू यहाँ पे एक्सेस लोगे। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे राउटर पे, राइट, तो आपको यहाँ से 0 से 15 का बीच नंबर दिख जाएगा, राइट। मतलब आप एक साथ इस राउटर को 16 यूजर 16 कंप्यूटर से एक्सेस ले सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे जैसे एक यूजर चाहिए आपको तो यहाँ पे 0 कर दो, 2 यूजर चाहिए तो 01 कर दो, 2 चाहिए तो 3 चाहिए तो 02 कर दो। तो 0 से लेकर 3 तक, 2 तक, मतलब 3 यूजर इसके अंदर में आ गया, मतलब 3 यूजर अभी इस राउटर का भी एक्सेस ले सकता है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो 0 to 4, मतलब 5 यूजर अभी इसका एक्सेस ले सकता है। तो ये कमांड आप चलाओगे, उसके बाद आप कमांड चलाओगे पासवर्ड। भाई पासवर्ड लगाना जरूरी है। अगर पासवर्ड आप ये कमांड चला दिए और पासवर्ड नहीं दिए और आप एंटर किए, तो आपको बताएगा कि पासवर्ड ही नहीं सेव है, पासवर्ड इज नॉट सेट, राइट। ये आपको एरर दे देगा। तो पासवर्ड आप यहाँ पे कुछ रख दोगे, सपोज पासवर्ड में रख दिया CCNA, ओके, CCNA में पासवर्ड रख दिया। उसके बाद आप जैसे ये कमांड चलाए थे आप आ गए थे वर्चुअल मोड में, ओके, और इस मोड से आपको फिर से बाहर जाना है, तो आप क्या कमांड चलाओगे, एग्जिट, एग्जिट, ओके। और ये जो पासवर्ड दिए हो इसी मोड में एक कमांड और चलेगा, पासवर्ड दिए हो, ये किसको पासवर्ड बनाएगा, जो लॉग इन करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली लॉग इन, ओके, बस ये कमांड चलाओगे, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, एग्जिट। आप आ जाओगे कौन से मोड में, कॉन्फ़िगर मोड में, और कॉन्फ़िगर मोड में भी आपको पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड 1 2 3। देखो ये कमांड चलेगा आपको टेलनेट को इनेबल करने के लिए आपके राउटर पे। उसके बाद आप जब ये कमांड चलाओगे तो आपको यहाँ पे आप पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड आप पुट करोगे CCNA, राइट। जैसे ही आपको यूजर मोड का एक्सेस मिल जाएगा, आप कौन से मोड में चले गए, यूजर मोड का एक्सेस आपको मिल गया राउटर का, राउटर का यूजर मोड का एक्सेस आपको मिल गया। यहाँ पे आप क्या कन्फिगर तो कर नहीं सकते हो, बट कम्युनिकेट कर सकते हो यूजर। आप इसमें क्या यूजर मोड से मेरे को जाना है प्रिविलेज मोड में, तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा यहाँ पे, इनेबल। इनेबल कमांड चलाओगे आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा आपको 1 2 3 पासवर्ड देना है जो आप प्रिविलेज मोड के लिए लगाए हो, और ये पासवर्ड जैसे आप एंटर करोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप यहाँ से पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद राउटर का कर सकते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी टेलनेट। एक्चुअली क्या है कि जो मेरा राउटर है, राइट, मैं अगर कंसोल से भी एक्सेस लेता हूँ तो मैं कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाऊंगा, पासवर्ड अगर नहीं लगाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा राउटर कहीं पे लगा हुआ है, मैं 24/7 तो वहां पे बैठा नहीं रहूंगा देखने के लिए। अब कोई बंदा आया और आपके कंसोल पोर्ट में अपना केबल लगाया और अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और वो बस आपके कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया, पोर्ट डाउन कर दिया, अप कर दिया, प्रोटोकॉल डिलीट कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितने भी तरीके होते हैं एक्सेस लेने का राउटर का, जितने भी तरीके से आप एक्सेस लोगे, एक तो आप कंसोल केबल से ले सकते हो, कंसोल केबल से, तो आप कंसोल पे क्या करोगे, कंसोल पोर्ट पे क्या करोगे, पासवर्ड लगा के रखोगे, राइट। जो कोई दूसरा बंदा जिसको पासवर्ड ना पता हो वो इस राउटर का एक्सेस ना ले पाए। दूसरा, जैसे आप टेलनेट से किए हो तो टेलनेट पे आप पासवर्ड लगाओगे, जिससे क्या कोई भी नहीं
टेलनेट ले ले उसका, जिसको भी आईपी एड्रेस पता लेगा क्या वो टेलनेट ले लेगा? नहीं, उसको पासवर्ड भी पता रहनी चाहिए, राइट, तभी होगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या था, जो आपका टेलनेट है वो सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर है, ओके, अनसिक्योर है। जो भी आपका पासवर्ड लिखे हो आप, यूजर नेम लिखोगे, वो सब क्या होगा, प्लेन फॉर्म में आपका ट्रेवल करेगा। यहाँ पे कोई भी कैप्चरिंग यूनिट लगा के कैप्चर करके पूरा का पूरा पढ़ सकता है सब कुछ। तो इसीलिए टेलनेट का यूज नहीं होता है, यूज होता है जगह SSH का, राइट, सिक्योर सेल, सिक्योर सेल का यूज होता है ज्यादा। इसका पोर्ट नंबर होता है आपका 22 और ये भी आपको लेयर 7 पे ही काम करता है। और इसका भी काम क्या है, रिमोट एक्सेस के लिए ही होता है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा उसमें आप इसका कमांड देख लेना, कमांड इसका SSH का क्या है, ओके। दोनों का वर्क पोर्ट नंबर क्या है, इसका SSH का 22 और टेलनेट का 23, दोनों का काम क्या है, रिमोट एक्सेस लेना है। दोनों कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर 7 पे, ओके। होप गाइस अभी आपको टेलनेट क्लियर हो गया होगा, अभी आप प्रैक्टिकल जब देखोगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, राइट। टेलनेट के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये रिमोट एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं इस प्रोटोकॉल का। ये लेयर 7 का प्रोटोकॉल है जो पोर्ट नंबर 23 यूज करता है, लेयर 4 पे TCP यूज करता है, ओके। इतनी चीज आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है मेरा आपका, देखो HTTP हो गया, HTTPS हो गया, FTP हो गया, और ये टेलनेट हो गया, SSH हो गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट मैं करता हूँ DNS, DNS, DNS stands for domain name, domain name server, right? Domain name server, ये इसका फुल फॉर्म है। कौन से लेयर पे काम करता है, ये लेयर 7 प्रोटोकॉल है। पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, पोर्ट नंबर 53 यूज करता है, ओके। TCP यूज करता है या UDP यूज करता है, तो भाई ये TCP और UDP दोनों यूज करता है, ओके। ये TCP और UDP दोनों यूज करता है आपका DNS, तो ये TCP और UDP दोनों यूज करता है, ये चीज आप समझ गए। अब इसका काम क्या है DNS का, तो DNS का काम है गाइस डोमेन नेम सर्वर। आपको नाम से ही क्लियर होगा, ये क्या करता है, नेम को IP एड्रेस में रिजॉल्व करता है। देखो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अभी जितने भी वेबसाइट है दुनिया में, राइट, जितने भी साइट है आपका, साइट का नाम आप याद रखे हो, बट वो काम किस पे करता है, IP एड्रेस पे, राइट। जैसे आप अपने कंप्यूटर में लिखते हो www.facebook.com या flipkart.com, कुछ भी, ओके, कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पे टाइप किए, आप यहाँ पे ये नाम टाइप किए हो, बट आपके नेटवर्क में क्या होगा, आपका ये जैसे नेटवर्क है, ओके, मेरा ये स्विच है और यहाँ पे मेरा PC है, ओके, इसके साथ मेरा एक DNS सर्वर लगा होगा इस नेटवर्क में, राइट, DNS सर्वर। ये जैसे ही मैं इस कंप्यूटर में facebook.com लिखूंगा, ये सबसे पहला काम मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, DNS के पास एक क्वेरी मैसेज भेजेगा कि भाई इस फ्लिपकार्ट का IP एड्रेस बताओ मुझे कि फ्लिपकार्ट का IP एड्रेस क्या है, और फिर वो DNS इसको क्या करेगा, रिप्लाई देगा। तो DNS का काम क्या है कि रिजॉल्व करना IP एड्रेस को, कहां, फ्रॉम डोमेन नेम, डोमेन नेम से IP एड्रेस रिजॉल्व करना, बिकॉज IP एड्रेस याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतने सारे साइट है इसका कैसे याद करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो आप फोन यूज करते हो, फोन में कॉन्टेक्ट बुक होता है, कॉन्टेक्ट बुक का यूज क्या है, आप मेरा नंबर उसमें सेव करोगे मेरे नाम से, जैसे मेरा नाम प्रफुल है, प्रफुल और मेरा नंबर उसके अंदर लिख दोगे। एक्चुअली ये क्यों किए हो आप, क्योंकि मेरा नाम आपके लिए याद करना आसान है प्रफुल, बट कॉन्टेक्ट नंबर डिफिकल्ट है, वैसे ही साइट का नाम याद रखना आसान है और उसका IP एड्रेस याद रखना डिफिकल्ट है। तो मैं क्या किया हूँ, सारे के सारा जितना भी मेरा साइट है, राइट, साइट है, साइट का नेम से मैं IP एड्रेस यहाँ पे लिख दिया हूँ, IP एड्रेस, राइट,
आईपी एड्रेस और नेम यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब जो भी कंप्यूटर इसको रिक्वेस्ट करेगा भाई नेम क्या है इसका, तो इसका आईपी एड्रेस इसको दे देगा। ये पूछेगा भाई बताए ये नेम है मेरे साइट का फ्लिपकार्ट, तो उसका आईपी एड्रेस बता, मैं फेसबुक का आईपी एड्रेस बता, गूगल का आईपी एड्रेस बता, ट्विटर का आईपी एड्रेस बता, इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस, जितने भी साइट है www.. कोई भी साइट आप ले लो राइट भाई, इसका आईपी एड्रेस बता। तो जो जो भी है ये आपका डीएनएस क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस इसको आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाएगा। तो डीएनएस का काम ये है कि भाई आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना डोमेन नेम को, ओके और कुछ नहीं। तो वो गाइस डीएनएस भी आपको अभी क्लियर हो गया होगा, और ये काम कैसे करता है ये सब हम आगे देखेंगे धीरे धीरे अच्छे से सबको ओपन करके, कि भाई अंदर जो अभी आपको जितना पढ़ना है अभी आपको इतना ही पढ़ना है। इसकी कमांड क्या है डीएनएस को इनेबल करने का, वो सब चीज में आपको डीएनएस सर्वर को कैसे काम करते हैं ये सब चीज में पैकेट ट्रेसर पे आपको खोल के दिखाऊंगा कि डीएनएस देखो काम कैसे करता है, कैसे पैकेट फ्लो होता है, कैसे क्वेरी जाता है और कैसे रिप्लाई आता है, कैसे यहाँ से ये रिक्वेस्ट करेगा आईपी एड्रेस के लिए और कैसे ये रिप्लाई करेगा, ये आपको मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल में वीडियो मैं छोटा छोटा बनाऊंगा, 3-3, 4-4 मिनट का, अलग अलग टेलनेट का बना दूंगा, फिर डीएनएस का बना दूंगा, ऐसे छोटे छोटा वीडियो सबका बना दूंगा जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए और अच्छे से, ओके। तो ये था डीएनएस का काम गाइस, होप कि आपको डीएनएस अभी क्लियर हो गया होगा, ओके। जैसे आप फोन अपना कॉन्टेक्ट बुक का एग्जाम्पल ले सकते हो, वो भी एक डीएनएस के जैसा ही काम करता है। वैसे मेरा डीएनएस सर्वर है, उस सर्वर के अंदर मैं सारे डोमेन नेम लिख दिया हूं, जैसे क्या फेसबुक, ओके। और यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस लिख दिया, सपोज करो कि फेसबुक का आईपी एड्रेस है 8.8.8.8.8 जो भी है, ओके। एक ही तो सर्वर नहीं होगा फेसबुक का, बहुत सारा होगा, तो बहुत सारा आईपी एड्रेस है, उसमें से कोई भी आईपी एड्रेस आपको दे देगा। गूगल है, इसका आईपी एड्रेस सपोज कर लो ये 9999 लिख रखा है। यहां से मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा अपने कंप्यूटर से कि भाई गूगल, मैं अपने क्रोम में गूगल लिखूंगा, मेरा कंप्यूटर क्या करेगा डीएनएस क्वेरी जनरेट करेगा और भेजेगा डीएनएस सर्वर को, डीएनएस सर्वर उसका ये आईपी एड्रेस रिप्लाई करेगा। तो ये डीएनएस का काम था, ओके। अब जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपको जो भी समझना है वो है आपका डीएचसीपी, डीएचसीपी, ओके। हाँ डीएचसीपी, डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है ये कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 7 का प्रोटोकॉल है, ये भी लेयर 7 पे ये काम करता है। पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर 67 है। टीसीपी यूज करता है या यूडीपी लेयर 4 पे, तो यूडीपी यूज करता है, ओके। लेयर 4 पे ये यूडीपी यूज करता है। अब ये तीन चीज अपन लिए तो उसके बाद ये काम कार्ड क्या करता है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मशीन को प्रोवाइड करवाने के लिए। गाइस एक प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम ये हो सकता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का काम क्या है। तो यार मैंने एक कंपनी खोला, ओके, एक कंपनी खोला जिसमें मेरे पास 1000 नंबर ऑफ यूजर है, ओके। 1000 नंबर ऑफ यूजर को क्या होगा, मेरे को आईपी एड्रेस देना होगा, या 100 भी है, ओके, 1000 नंबर को यार सब मशीन पे मैं जाऊंगा और आईपी एड्रेस असाइन करूंगा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ये काम। और सपोज कर लो कि ये काम है, चल रहा है मेरे कंपनी में, 1000 यूजर है, मैंने असाइन कर दिया, मेरे को 10 दिन बाद सबका आईपी एड्रेस चेंज करना है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा सब कंप्यूटर पे जाके चेंज करना, होगा या नहीं होगा। 1000 नंबर है, सारे कंप्यूटर पे जाऊंगा और मैं मैनुअली वहां पे स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाऊंगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा।
और दूसरी चीज ये हो सकती है जो मैं इसको आईपी एड्रेस दिया, जैसे 10.1 दिया इसको, 10.2 दिया इसको, मैं देते देते कभी ये भी हो सकता है कि रिपीटेशन हो सकता है, मैं भूल गया कि भाई ये 10.1 में इसको दिया हूँ, ये मेरे को याद भी रखना होगा कि 10.1 में इसको दिया हूँ, 10.2 इसको, कभी अगर कुछ मिस हो गया तो रिपीटेशन भी हो सकता है आईपी एड्रेस का, दो मशीन को सेम आईपी एड्रेस भी हो सकता है, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डीएचसीपी के हेल्प से मैं क्या करता हूँ अपने नेटवर्क में, जैसे मेरा ये नेटवर्क है, ओके, यहाँ पे मैं एक, ये मेरा राउटर है, इसी राउटर के ऊपर मैं क्या करूंगा डीएचसीपी सर्विस इनेबल कर दूंगा, उसका मैं कमांड आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो डीएचसीपी इस पे मैं इनेबल कर दूंगा, और ये जितने भी यूजर है, मेरा जितना भी कंप्यूटर पे यूजर है, ये यूजर को ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा देगा सबको, मेरे को मैनुअली जाके कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस देने की अब जरूरत नहीं है। ये जो राउटर जहां पे मैं डीएचसीपी और एचपीसी पे भी मैं कर सकता हूँ, राइट, ये स्विच है, ये स्विच पे भी मैं कर सकता हूँ डीएचसीपी इनेबल, और उसको मैं दे दूंगा क्या कि भाई 10 नेटवर्क आईडी दूंगा 10.0.0.0/8 भाई इस नेटवर्क से तुम सारे यूजर को आईपी एड्रेस देते जाना, तो ये अपना इसको 10.1 देगा, 10.2 देगा, और ये तो मशीन है भाई, ये तो प्रोटोकॉल है, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखेगा अपने पास कि कौन सा दिया, तो कभी रिपीटेशन भी नहीं होगा और आसान हो जाएगा। तो डीएचसीपी का हम यूज इसीलिए करते हैं, ये भी लेयर 7 पे काम करता है, पोर्ट नंबर 67 है, और डायनामिकली आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, देखो डायनामिकली होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, राइट, कॉन्फ़िगर होस्ट डायनामिकली, आप ऐसे याद रखो कॉन्फ़िगर होस्ट डायनामिकली, ओके, इफ प्रोटोकॉल, तो डायनामिकली आप ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देने के लिए मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता हूँ, डीएचसीपी का। ये भी ये क्या करेगा, जैसे मशीन ऑन होगा आप यहां से एक रिक्वेस्ट करोगे आईपी एड्रेस के लिए, और फिर आपका जो ये सर्वर रहेगा डीएचसीपी वो आपको क्या करेगा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। ये काम कैसे करता है, एक डोरा प्रोसेस का यूज करता है, ये डोरा प्रोसेस, राइट, ये आप बाद में पढ़ोगे डोरा प्रोसेस, मतलब जब आप डीएचसीपी अच्छे से और पढ़ोगे बोल के, सब जितने भी प्रोटोकॉल में बताया वो सब आपको बहुत अच्छे से भी पढ़ना है, जब मैं एमपीएस स्टार्ट करूंगा तो सब कुछ को मैं बहुत अच्छे से और डीप में पढ़ाऊंगा, अभी आपको सीसीएनए में इतना ही पढ़ना था ये सब प्रोटोकॉल के बारे में। होप गाइस आपको ये प्रोटोकॉल जो 3-4 प्रोटोकॉल थी जैसे टेलनेट, एसएसएच, डीएचसीपी और डीएनएस और क्या था, बस हाँ डीएचसीपी हो गया आपका, टेलनेट, ये जो भी प्रोटोकॉल है, राइट, ये अब आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर इन द सेंस मतलब इसके बारे में आपको थोड़ी सी इतनी नॉलेज हो गई होगी कि ये प्रोटोकॉल है क्या, इसका पोर्ट नंबर क्या है, कौन से लेयर पे काम करता है, और इसका काम क्या है, और इसकी कमांड क्या है, वो चीज तो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, तो वहां से आप देख लेना कमांड, ठीक है। आपका यहाँ पे प्रोटोकॉल जो मैं पढ़ाना चाहता था ये खत्म हो गया, कल से मैं स्टार्ट करूंगा राउटिंग, कल मैं राउटिंग स्टार्ट करूंगा, राउटिंग के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करूंगा, फिर स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करूंगा, फिर स्टैटिक राउटिंग के बाद हम डायनामिक राउटिंग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।